गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंस नया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? और भाई आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा शुरू हुआ है, क्योंकि आज बारिश नहीं हुई और बुन और आराम से ना नीचे घूम के आ गया। वैसे लेट घूम के आए क्योंकि कल हम रात को लेट सोए थे, तो आज बुनू घूम के आए 9:30 बजे। फिर मैं उसको घुमा के सीधा अकेडमी ले गया स्नेहा के पास, और वहाँ से फिर मैं साफ सफाई सब करा के हम बाद में आए हैं। स्नेहा पहले आ गई थी और स्नेहा अभी कुछ मेरे लिए बना रही है। क्या बना रही है वो मैं दिखाता हूँ। बुनू अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहा है। ये बेटा बूनू, बूनू शे हेलो, शे हेलो। और बूनू की फोटो लगा रखी है भाई मैंने वॉलपेपर। ये देखो इसने लेटेस्ट अपना शूट कराया है, मस्त लग रहा है बूनू इसमें बैठा हुआ एकदम चकाचक। हमारा गुल्लू जो है ना वो सुपरस्टार है भाई बिल्कुल। और मैं नहा लिया हूँ भाई, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि मैं और बूनू गए थे नीचे, क्योंकि बूनू ने खाना नहीं खाया, उसको चाहिए आज ग्रेवी। क्योंकि कई दिन से हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि रोज़ उसकी खिचड़ी जो होती है ना वो खिला देते हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं, बट इसको ये है कि अब मेरे को ग्रेवी भी दे दो। मतलब इसका मूड है, कभी ग्रेवी से खा लेता है, कभी नहीं खाता, कभी इसको होता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, कभी बोलता है पनीर चाहिए, कभी कहता है इसके अंदर गाजर और बाकी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगा। आज इसका था कि मैं ग्रेवी के बिना नहीं खाऊंगा। अब इसकी ग्रेवी यहाँ से मैं एक लेके आया हूँ, अभी हम करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। और कहाँ से सबसे सस्ती मिलेगी ना वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स पे हम कंपेयर करते हैं। फ़ोन पे अगर आप ऑर्डर करोगे अलग रेट्स मिलते हैं, आप अगर कंप्यूटर से ऑनलाइन किसी साइट से ऑर्डर करोगे ना वहाँ एक अलग रेट मिलता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से मैं ऑर्डर करूँगा और कहाँ सबसे बेस्ट रेट मिलने वाला है। और हम जो पैक मंगाएंगे ना वो है तो 15 पीसीज वाला मंगाएंगे या 30 वाला या 60 वाला या 90 वाला, जिसमें सबसे सस्ती पड़ेगी ना हम वो वाला मंगाएंगे। अभी बुनू घूम रहा है कि भैया मैंने खाना खा लिया, मेरा मुंह साफ करो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। खा लिया तूने? देख उसको मुंह देख लो, ये मुंह साफ नहीं करेगा गुजड़ू से। चल मुंह साफ करेंगे। ये चला भूख भूसा। बुनू ने मंगाया आज अपना नया वाला कार्ड है ना, अकाउंट खुलवाया भाई इसने अपना। बुनू तूने अकाउंट खुलवाया है क्या? नींद में देख कितने हो रहा है, कितनी नींद में है। ओए गुना, ये देखो भाई बूनू ने खुलवाया IDFC में, फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट। आ तू पापा मम्मा को इसमें से पैसे दे देगा थोड़े से? ग्रेवी मंगाए गए अपनी ना, जय कर दे इस पर, पैर लगा दे इस पर छाप दे यार, छाप दे, खड़ा हो। देख कितनी नींद में हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है इसकी। ये मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने इस पर अपने पैर लगा दिए पापा मम्मा की चीजी पे है ना। ये बूनू का नया कार्ड, बूनू ने इस पर जय जय कर दिए। ये देखो भाई, और मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, और ये रहा मेरा टुक टुक, टुक टुक को भी इस पर, टुक टुक भी मेरा भाई है। ये देखो टुक टुक आ गया, टुक टुक ने भी इसको आशीर्वाद दे दिया है, बोलो कि इसमें मेरा भी अकाउंट खुलवा दो, बूनू का भी खुलवा दो, सबका ही खुलवा दो भाई। सो मैंने खुलवाया भाई नया अकाउंट IDFC बैंक में। और हुआ क्या ना, जैसे SBI वाला जो है वो मैं काफ़ी साल से चला रहा हूँ, मतलब हो गए उसको 8-9 साल हो गए होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो गए। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब कहीं डिपॉजिट करने जाओ कैश तो उसकी मशीन जो है ना वो चलती नहीं मिलती। अभी पीछे मेरे को किसी को पैसे भेजने थे, अब बिलीव नहीं करोगे, मैं कम से कम 2 से 3 घंटे एक दिन घूमा हूँ, अगले दिन फिर मैं 4 से 5 घंटे घूमाऊँ, जब मेरे को जाके एक मशीन मिली है जहाँ पे जाके मैं कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ। और दिन में ना कई बार इतना टाइम नहीं होता, शूट में भाई बिजी रहते हैं कि मैं ब्रांच विजिट करके वहाँ पर डिपॉजिट करूँ, मेरे को सबसे बेस्ट लगता था मैं जाता था। और यहाँ पे ना आसपास में 3-4 हैं तो जाके कैश डिपॉजिट कर दो और अपना फटाफट काम हो गया। किसी में पैसा फंसा हुआ है, मैं गया, मैंने कहा भैया चल रही है? हाँ चल रही है भैया, लेकिन पैसे फंसे हुए हैं तो वो बंद हो गई। दूसरी ब्रांच में जाओ सर्वर डाउन है भैया, तीसरी में जाओ यहाँ पर भी सर्वर डाउन है भैया, सब में मतलब यही दिक्कत चल रही थी। और कई बार ना अर्जेंट बहुत होता है कि हमें किसी को पैसे भेजने होते हैं, बट ना भेज पाने की वजह से ना फिर कभी किसी को बोलना पड़ता है, कभी किसी से अरेंज करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं एक नया अकाउंट खुलवाता हूँ जो थोड़ा सा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मेरे को IDFC थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगा। अब मेरा कोई पक्का नहीं है कि मेरे को इसमें अकाउंट रखना है, एक बार यूज़ करके देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो बंद कर देंगे। ऐसी कोई वो नहीं है कि भैया ये अच्छी सर्विस देंगे या नहीं देंगे, मुझे इसका कुछ नहीं पता अभी। हाँ हाल फिलहाल जो ऑफ़र्स देखे मैंने, जो चीज़ें देखी वो मेरे को ठीक लगी इसके अंदर, कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक सा। अब लेट्स सी आगे कैसा रिव्यू रहता है, अगर इसका नहीं होगा अच्छा तो हम फिर चेंज कर देंगे, बट अभी हम इसको यूज़ करेंगे और मैं इसको करूँगा अभी
ओपन, और इसके अंदर हमारा डेबिट कार्ड वगैरह जो है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं। किट जो है वैसे ये 5 दिन में आने वाली थी, बट ये हमें आज 3rd दिन मिल गई है। सुबह सुबह आ गई थी, ब्लू डार्ट से आई है। उसने बोला भैया मैं पहुँच गया हूँ, मैं थोड़ा पहले लेके आ गया, आपका 5 से 6 दिन दिखा रहा होगा। तो कह रहा कि मेरे पास पहुंची हुई थी, मैं इस साइड पे था तो मैंने सोचा कि मैं आपको डिलीवर कर देता। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। वो सुबह सुबह लेके आया और हम इसको खोल लेते हैं। तो हम इधर से खोलते हैं पूरा, ये भाई ख़राब नहीं होना चाहिए पैकेट। ये मैं बहुत संभाल के रखता हूँ कि भैया ये एनवेलप जो है ना ये फटे ना, मेरे को ये चीज़ें रखना बड़ा पसंद है। तो इसको निकाल ले, ये चेकबुक, ये मैंने ऑर्डर तो करी नहीं थी बट किट में ऑलरेडी है, क्योंकि हमने जो अकाउंट खुलवाया ना उसमें दो ही ऑप्शन थे, एक 25,000 वाला एक 10,000 वाला। तो अभी हमने 10,000 वाला ओपन कराया क्योंकि अभी अपना इतना ही बजट है। तो ये मैंने निकाल लिया दूसरा एनवेलप, इसके अंदर ही है हमारा कार्ड, और इसके अंदर जो कार्ड है ना वो अंदर अटैच होगा, शाम को निकालेंगे और फिर उसका करेंगे पिन जनरेट। ATM जाके होगा या शायद एप्लीकेशन में हो जाएगा, शायद एप्लीकेशन में हो जाएगा क्योंकि ईजी है इनका सेटअप। अब करने वाला हूँ मैं अपना थोड़ा सा एडिटिंग का काम, क्योंकि हमें किसी को डाटा भेजना है और एडिटर को भी मैंने दे दिया है आधा आधा, मैं कर लूँगा तो थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। फिर हम एक दूसरा एडिटर हायर करने की सोच रहे हैं, बात हुई है बट अभी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि रेट्स का थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। उनका जो आस्किंग है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा जो रेट है वो मतलब नॉर्मल, वो जो मार्केट रेट में दे रहे हैं ना हम उसमें देना चाहते हैं, बट उनका कुछ अलग ही है। तो अभी हम और सर्च आउट कर रहे हैं कि किसको हम दे सकते हैं जिसका काम भी अच्छा हो और जिसको थोड़ा सा ना मतलब बार बार समझाना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है हम कुछ बोलेंगे फिर वो उल्टा करके भेजता है, फिर हम दोबारा से समझाएंगे फिर उल्टा करेगा, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सो अभी हम दूसरा एडिटर ढूंढ रहे हैं, बाकी जो आज का काम है वो मैंने हाफ ऑफ करके अभी हम उसको निपटा देंगे और फिर शाम को फिर ब्रूनो को घूमने जाएगा। लेकिन आज ना एक दिक्कत हो गई है, दिन से मतलब अभी हो रहे हैं 1:30 बज रहा है और अभी ना अच्छी खासी बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि शाम तक रुक जाएगी, और ब्रूनो को ना घूमने की बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर उसको फ्लाईओवर के नीचे ले जाना पड़ता है और वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे उसको घूमने की थोड़ी कम जगह मिलती है, मतलब घूम तो लेगा बट जगह जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, तो उसको मज़ा नहीं आता और ये दुखी भी थोड़ा सा हो जाता है। मैं सोच रहा था आज इसको पार्क लेके जाऊँ, लेकिन पूरा मतलब मौसम ने ना पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया इसका। ये बैठी मोटी, ये पी रही है चाय, ये हर वीडियो में चाय पीती हुई दिखती है। तेरे को चाय वीडियो बनाते हुए जब मैं चाय पी रही होती हूँ, हम क्या करें, मेरा चाय का टाइम। मेरे को बूनू को क्या बताया ना, बूनू बूनू को देखो, बूनू बताया, बूनू बताया यार जरा, ऐसे कोई होता है? बूनू बोल दे कि टी टाइम होता है भाई, है ना भाई, बता दे सबको कौन सा टाइम होता है टी टाइम। ओए होए होए, इसको कितनी नींद आ रही है। हां इसका स्लीपिंग टाइम होता है बस हमेशा। तेरा स्लीपिंग टाइम हो रहा है? ओए मेरे बेटे का स्लीपिंग टाइम है। बाहर कैसे जाएगा तू घूमने, बारिश हो रही है? बोलो बारिश हो रही है यार, बारिश हो रही है, क्या करें, क्या हुआ मेरे बेटे को, छींकी आ रही है इसको, छींकी आ रही है। मैं बोलो चले नीचे घूमने, चल बोलो कम, ये चला बोलो 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 बोलो, चल 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 कम 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 कम, बस गीला है नीचे, गिरी 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 बोलो स्पीड देखो। नू ढूंढ रहा है कौन सी गाड़ी के ऊपर सुसू किया जाए, कहाँ पे पोटी करी जाए। चल बोलो, धरती साफ लग रही है आज तो, एकदम चकाचक मिट्टी नहीं है। आया पानी में मत घुसियो। उन्होंने घूम लिया है और ज़्यादा नहीं घूमेंगे क्योंकि पूरा गीला पड़ा है, ये पूरा गंदा हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर वापस से स्टूडियो और जाके उन्होंने खाएगा खाना, उसके बाद मैं थोड़ा एडिटिंग का काम करूँगा। स्नेहा अभी क्लास पर निकल जाएगी और अगर मुझे टाइम हुआ तो फिर मैं जाऊँगा अकेडमी, वरना अगर नहीं हुआ तो नहीं आऊँगा। फिर स्नेहा क्लास के बाद आ जाएगी, तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या प्लान होता है रात का। अभी सब्जी भी लेके आनी है, आज तो फ्राइडे है। ये देखो भाई, ये बूनू देखो सारे पैर गंदे करके आया है, मुंह गंदा करके आया है। रोज इसका मुंह धुलाओ, पैर धुलाओ, हाथ धुलाओ, यही करते रहे हम। तो बूनू मेरे पापा धुलवा देते हैं। बूनू इधर देखो, ओ बूनू ये देखो भाई, ये हाथ भी धुलवा दिए। ओए बूने मेरे हाथ पैर सब धुल लिए, पापा ने धुलवा दिए मेरे हाथ पैर, धुलवा दिए। आ गया भैया हाथ पैर धो के, आ गया बूनू, बूनू आ गया हमारा हाथ पैर धो के। ये बूनू, ओ छोटे छोटू 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 छोटी छोटू, अब ये हाथ पैर अपने पोछेगा बूनू। इसका टावल कहाँ है, ये किसका टावल है? दे दे कोई नहीं, ये इसी का है, लेकिन मुँह पोछ दो मैंने इसको। कोई नहीं, पोछ दो हाथ पैर।
ओए गुलू अब ये मस्ती करेगा, हाथ पैर कैसे गीले करेंगे। ये देखो ये देखो ए ये देखो अब इसके नाटक शुरू होंगे। ये क्या कर रहा है तू? ओ पागल, ये क्या कर रहा है तू? बोलो। बैटरी है, बारिश बंद हो गई है और मैं और बूनू अभी जा रहे हैं एक बार सीपी की तरफ, कुछ काम है। लेट्स सी वो काम होता है या नहीं होता अभी हमें नहीं पता, बट हम निकल रहे हैं। स्नेहा भी एकेडमी में गई है, एडिट का काम जो है ना वो मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया, आके कर लूँगा। और बूनू पहली गाड़ी में बैठ गया। और भाई गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, मतलब उमस हो गई है एक तरह से, पूरी उमस, ना हवा चल रही ना कुछ। इसमें ना बड़ा बेकार ही मौसम होता है। पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है भाई, लेकिन हमने इस बार काफ़ी दिन चलाया है पेट्रोल, तो मुझे दुख नहीं है क्योंकि इस बार गाड़ी चली है हमारी अभी 540 किलोमीटर, जो बहुत है। और थोड़ी चल जाती, बट बीच में हम एक दिन घर गए थे ना, तो दिन में गए थे, तब हमें कम से कम जाते जाते 1.5 घंटा सिर्फ जाम में लग गया था, जो हम खड़े थे और वहाँ पे एसी चल रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज कम हो गई, वरना और भी मिल जाती, बट कोई नहीं अभी चलता है इतना तो। और अभी हम निकल लिए हैं, मैं और बुनू पहुंच चुके हैं सीपी, है ना बुनू? ये देखो बुनू लटका हुआ है। बुनू को मैंने अंदर छोड़ दिया गाड़ी में, तो बोला बाहर निकाल भाई साहब, तू यहाँ के नज़ारे ले रहा, मैं अंदर बैठा हूँ यहाँ। फटाफट से मैंने बोला आना तेरे को भी, फट से कूद गया कि बुला भाई बुला। अभी आ रहे हैं, हमने जिससे मिलता है ना वो अभी थोड़ा सा इधर गए हुए हैं, बेसिकली मिल तो हम लिए हैं उनसे, बट वो कुछ काम से दोबारा 5 मिनट्स बोल के गए हैं अभी। लेट्स सी कितनी देर में आते हैं और मैं दिखाता हूँ किससे मिल रहे हैं हम और क्या काम के लिए आए हैं, अगर हमारा काम होता है तो, बट अभी श्योरिटी नहीं है। सो इतने हमने सोचा कि भाई हम खड़े हो गए ना, थोड़ा अपना नज़ारे देख लेते हैं, इधर उधर की लड़कियाँ देख लेते हैं, इधर उधर क्या क्या क्राउड हो रहा है वो देख लेते हैं। आज ईद है, आज है या कल थी मुझे इधर एग्जैक्टली पता नहीं है, बट भीड़ बहुत है, बहुत लोग आए हुए हैं और मौसम इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, पूरा चिपचिप हो रहा है, बट क्राउड बहुत ज़्यादा है। सो फाइनली हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आ चुके हैं और हमने इनको सोनी का कैमरा अपना दिया है और दे आर हियर। हाय, दे आर फ्रॉम विच? इजराइल। ऑस्ट्रेलिया। एंड व्हाट्स योर नेम? शैनन। शैनन यू? सिलान। सिलान, ओह नाइस मीटिंग टू देम। एंड अभी हम घर के लिए निकलेंगे और फिर घर पहुंच के आपको और बहुत सारा काम करना है हमें, तो वो दिखाएंगे। मज़ा आ गया भाई, एकदम मज़ा आ गया। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं जो शुरू से है ना, मेरा फील्ड जो है, मेरा काम जो है ऐसे रहा है कि मुझे ना नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। अभी क्या हुआ, काफ़ी दिन से हमारा जो रूटीन है ना वो बिल्कुल सेम चल रहा है, मतलब हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, काम करते हैं, उठते हैं, यही चेंज चल रहा है, तो मेरे को ना वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैंने जब अपनी काम की शुरुआत करी थी तो मैं डेली नए लोगों से मिलता था और स्पेशली ना फॉरनर्स से, मेरा बहुत मतलब एक अलग ही उनके साथ मेरी बॉन्डिंग रहती थी हमेशा से, मैं बहुत फॉरनर्स के साथ रहा हूँ। सो अभी ना, अभी वो चीज़ मिसिंग होती है ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट आज मेरे को ये मिले ना, मेरे को एक अलग ही फीलिंग है, मैं कह यार अलग से लोग मिले। और बिलीव मी कि मुझे इस कैमरा के ना मतलब 5,000 रुपये ना आराम से, अगर मैं और 10 दिन होल्ड करता ना तो मेरे को मिल जाते, बट मैंने ना उनको दे दिया क्योंकि मैसेज आया था मुझे लाइक आई वॉन्ट टू बाय दिस कैमरा, और फिर उसने थोड़ा बोला कि नहीं इट्स कन्फर्म फ्रॉम माई साइड, यू जस्ट कम, आई डोंट नो द प्लेस लाइक वेयर टू कम। तो मैंने उनको बोला कि भी मेरा स्टूडियो है, यू कैन कम देयर, बट उसको ना वो समझ नहीं आया था। सो फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, सो ही वॉज लाइक आई एम इन पहाड़गंज। तो वो बेसिकली अभी इंडिया बस ऐसे ही घूमने आए हैं। मैं बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ सीपी तक। सो मैंने इनको सीपी बुला लिया, दे आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस प्लेस कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इट्स गेट नंबर 5-6 या कहाँ पे शोरूम है ना, तो वो वहाँ पहुँच गए थे इजीली। फिर वहाँ पे मैं उनसे मिला, सो साथ में मैंने देखा कि एक फ़ीमेल भी आई है, सो इट वॉज़ ए गुड थिंग कि वो दोनों जो है ना वो घूमने फिरने आए हुए हैं इंडिया, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका बात करने का तरीका ना एक अलग ही होता है भाई, उसको मतलब इंडियंस के साथ बात करके आपको कभी नहीं लगेगा कि हाँ मतलब कुछ एक अलग ही बात है, बट इनका जो ऑरा है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो आया, उसने कैमरा देखा अपना, पूछा थोड़ा सा और अपना, ठीक है आई एम क्वाइट ओके विद दिस थिंग, एंड उसने बोला कि मैं पेमेंट आपको दे देता हूँ, बिकॉज
वी डोंट हैव लाइक अकाउंट ट्रांसफर UPI और समथिंग, सो उसने मुझे कैश दिया. लाइक ओके आई विल वेट हेयर फॉर 10 और 15 मिनट्स, यू कैन गो टू ATM एंड कैन ब्रिंग द कैश. सो बस हो गया हमारा काम और हमने उनके साथ थोड़ा सा मस्ती भी कर ली. बूनो उनसे मिल लिया, बूनो को बहुत पसंद कर रहे थे वो कि ये बहुत प्यारा है, इज टू क्यूट, इसको तो सभी पसंद करते हैं गधे को. और ये उनको लड़के को तो चिल्ला रहा है और लड़की से ना आराम से प्यार करवा रहा. मैंने कहा बेटा तू सही है, तू लड़कियों को बहुत चक्कर है तेरा, ये लड़कियों के चक्कर में ना मुझे भी अपने में ऐसे घुसाए रखता है. भीड़ बहुत है और बारिश की वजह से थोड़ी और ज़्यादा हो गई है, बट मज़ा आता है भाई रात को घूमने में, रात को कहीं बाहर जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्नेहा को बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों को ना रात को घूमना बहुत पसंद है बाहर. और ये जो रास्ते हैं ना ये बड़े अच्छे लगते हैं हमें. यहाँ साइकिल पे आते थे, अभी हम दोबारा से भी आएंगे. अब हम थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना, साइकिल पे यहाँ निकला करेंगे रात को, जैसे हम पहले आते थे. पहले की जब हम व्लॉग्स नहीं बनाते थे तो अब बनाएंगे, अब आपको वो भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं भाई साइकिल पे और कहाँ कहाँ गए हैं. हर एक जगह, मतलब हमने बीच में ऐसा किया था कि हम हर जगह ना साइकिल से ही जाएंगे. पेट्रोल जी ख़त्म होने वाले हैं, पेट्रोल डलवा लिया जाए. ऐसा हॉर्न लगा देना चाहिए इनको अपनी, मतलब एक होनी चाहिए ऐसी बोलने वाली. यहाँ जैसे हम जाट है तो जाटों का होना चाहिए भाई, अरे पेट्रोल डलवा लो. पंजाबियों का हो तो भाई उनकी मतलब कुछ हो ऐसा, मतलब जो भाषा में बोलते हैं. तो भाई ये जो है ना ये पेट्रोल ये तो बहुत महंगा पड़ता है. और देखो अभी सुई देखो कितनी पहुँची हुई है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. अभी हम भरवाएंगे टंकी बट रात को. मुझे पता क्या था, मैं अगर चाहता ना तो ये जो फॉरेनर्स आए थे मैं इनसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकता था. इनको मतलब क्या पता होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जैसे यहाँ पे पालिका बाज़ार में ये जो शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, तो इनको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई पैसा ले लिया इनसे कि भाई ये 2000 की चीज़ ना इनको 20-30 हज़ार में बेचते हुए देखा है मैंने. बट क्या होता है, एक इंसान के अंदर से एक वो चीज़ होती है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता. तो मेरे मन में ये है, मैं मतलब मैं ऐसा कर सकता था कि भाई मैं आपको इतने में तो ये चीज़ दे रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा बैटरी की दे रहा हूँ आपको, साथ में चार्जर दे रहा हूँ या वो सम एक्स्ट्रा मनी ये वो इनको बातों में फुसला के हो सकता था कि मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा ले लेता. बट क्या है ना, देखो कोई हमारे देश में घूमने आया है और जो चीज़ मेरा मन अलाउ नहीं करता ना भाई, मैं वो कभी नहीं करता. कभी भी मेरे मन ने अलाउ नहीं किया, मैंने कहा नहीं यार ये थोड़ी गलत चीज़ है, मैं ये नहीं करूँगा इनके साथ. और जो मैंने जितना रेट बोला है ना मैं उतना ही दूंगा, क्योंकि मुझे पहले समझ नहीं आया था कि ये कौन है. थोड़ा सा मतलब जब बात हुई थी तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये कौन है ना अभी, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो भाई हैं बाहर से आए हुए. मैंने पूछा कि अब दिया जस्ट लाइक कि हाँ हम कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि भैया उसका मैं पैसा ऐट लूँ. ऐसा नहीं है, मुझे 2000-3000-4000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा वो मुझे पता है, लेकिन उसको मैं ले तो लूँगा लेकिन मेरा मन उसको अलाउ नहीं करेगा. इसलिए मैंने सोचा कि यार नहीं है, मैंने जितने में बात करी है ना मैं उतने में इसको देखे ना ख़त्म करता हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, तो एक जो बात करने का तरीका भी होता है ना उससे भी इंसान को थोड़ा सा एक रिगार्ड किसी का कर लेना चाहिए. देखो कोई करे ना करे मैं ज़रूर करता हूँ. मेरे से बहुत बार ऐसे पीछे हमने और भी कुछ सेल आउट किया था, तो कोई आया उसने बोला कि भाई मैं ऐसा है वैसा है, मैंने खुद ही उसको बोल दिया. मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप एक काम करो आप 1000 रुपये कम दे देना, 2000 कम दे देना, तो वो बंदा खुद खुश हो के ना मतलब चीज़ भी ले गया और उसको अच्छा भी लगा. और मेरे मन में भी ना थोड़ी सी ये हुई कि यार चले यार किसी को मैंने अच्छे को इंसान को चीज़ दी है तो वो उसके यूज़ भी आ जाएगी और मुझे भी उस चीज़ की खुशी हुई. तो भाई पैसा देखो सबके लिए ज़रूरी है, बट जहाँ मन खुश नहीं है ना वहाँ पैसे का कुछ फ़ायदा नहीं होता, मेरा मानना तो ये है. ट्रैफिक देखना जिसको पसंद है भाई, देख लो कैसे गाड़ियाँ लगा रहे हैं लोग, इंडिया गेट घूमने हैं जो. ट्रैफिक का बवाल है भाई, बवाल. जिसको देखना है ट्रैफिक देखो भाई, देखो मज़े से देखो, बहुत भीड़ आज, बहुत ट्रैफिक था भाई. हम पहुँच गए हैं दीदी के घर और गाड़ी हम खड़ी करके आए हैं थोड़ी सी दूर. वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बूनो के घूम रहे थे दोस्त, और बूनो ने तो देखते ही पहचान लिया था कि हाँ मैं इनको पकड़ लेता हूँ. वो पीछे पीछे चल रहे हैं और ये पता क्या कर रहा है, ये मेरे को फंसवा देता है ऐसे हर जगह. अच्छा किसी डॉगी को अगर मैं ये सोचूंगा ना ये पीछे ना आए तो ये बोल के बुला लेता है उसको, उसे मैं फंस जाता हूँ. तो पहले मैं मिलवाता हूँ आपको, वैसे तो जीजू लगते हैं लेकिन मैं बोलता हूँ भैया. मेरे रिश्ते हो रहे हैं थोड़े अलग ही होते हैं, तेरा भी नहीं वो बोलने में भी कुछ भी आ जाता है.
दीदी को दीदी बोलता हूँ अब। तो जीजू ही बोलेगा। नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, साडू साउ। तो ये उल्टी दीदी मतलब हमारा जो है ना वो अलग ही चलता है। तो ये बोलो, मेरे लगते जी भैया, इसके लगते जी। तो ये रहे शेलो और ये बुनू, ये घूम रहा। बुनू तू भी दिखा है, ये घर का इंस्पेक्शन कर रहा है कि मैं पूरा घर देख लेता हूँ। ऐसे देख रहा है जैसे खरीदेगा घर को। हैं सारे कोने देख लिए तूने, कोई सही लग रहा है? और यहाँ बन रहा है खाना, और खाने में तो कई सारी चीज़ें बनाई हैं, और वो बनाई है ये, इनको तो आपने देखा होगा, ये कई सारी वीडियोस में दिखती हैं। जो ये मोटी लड़की बहुत अलग ही, हाँ मतलब वो फ्रेम से बाहर जो दिखती होगी ना, वो समझ लेना वही यही होती है। ये नहीं, ये देखो ये असली असलियत मैं दिखाता हूँ, ये क्या करते हैं फ्रेम पे, तो बड़े चमक धमक के जाते हैं। ये देखो ये क्या हो रहा है। तो भाई उस टाइम मेकअप होता है, ये घर है। तो मेकअप करके आपको खाना बनाना चाहिए, ये आर्टिस्ट की हालत है। देखो रोटियां बना रहा है ये, ये है सबसे बड़ी दीदी। यस। और ये है स्नेहा की सबसे बड़ी वाली बहन। तो ये कंफ्यूजन ना हो, मोटा है, हम दोनों बहने हैं। ये हमारा मोटा है, ये मोटा है, ये पहलवान है। ये पहले मोटा था पर अब ये पतला हो गया। ये देखो थोड़ी किचन भी बड़ी बना रखी है, थोड़े साइज देख के। देखो मैं पतली ही लड़की कमजोर, और ये हमारी पहलवान। और यहाँ बन रही है रोटी। हाँ दीदी क्या मिलेगा भैया? है ही नहीं, पापड़ तलेंगे। और यहाँ पे सब्जी है, शाही पनीर। शाही पनीर ये दीदी ने बनाई है। ये दाल, ये दाल चावल। अभी रोटी मतलब सब्जी का भरोसा, मतलब भरोसा ही। ये रहा सैलेड। बुनू तब से खुश हो रहा है, घूमने जा रहा है, और टुक टुक यही बैठा है। बुनू तू क्या लेगा, इसको क्या चाहिए? आओ खाएंगे खाना। और ये चीज भी मिस हो गई थी, ये रे पापड़। बाकी सारी चीज तो हमने रख दी है, अच्छी बनी है, दीदी जी ने बनाई है। यस मतलब खाना अच्छा बना लेते हो आप। दीदी ने रात से बनवा के रखा था, अब नाम अपना ले रही है, अब वो दिखा रही कि मैंने बनाया है। जिसने बनाया था उसको पसीने आ गए। किसको आ रहे हैं? आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे, इसका मतलब नहीं बनाया। रेसिपी देखी है क्या आपने? ये मेरी रेसिपी देख देख के बनाई दीदी ने। ये मेरी रेसिपी देख देख के सारा खाना बनाती है। ऐसा है? मैंने सिखाया है इसको खाना बनाना। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात वो, है। वो राज बोलता मैंने सिखाया है। भाई तुम डिसाइड कर लो आपस में, मैंने सिखाया मुझे खाना बनाना। बचपन से कुछ कर रही मेरे खाना। छन्नो दीदी ने सिखाया है। छन्नो दीदी ने सिखाया, सही बात है। छन्नो ने सिखाया, भाई मेरी छोटी वाली बहन है, हम उसको ही मिलवाएंगे जल्दी, उससे सिखाया मुझे खाना। हाँ वो आस पड़ोस में भी सबको सिखा, जिसको सीखना हो हमें बता देना, वो सब बढ़िया सिखाएगी ना, बहुत ही ज्यादा। बुनू भी चल रही है मूवी, ये रहा बुनू। इसकी शक्ल देखो, ये 3 घंटे मूवी देखी है इसने, और हमारी नींदें खराब कर रही है, हमारी नींदें खराब कर रही है। रात के बज रहे हैं 3:30 और हम अभी तक जाग रहे हैं। ये देखो हमारा सरदर्द कर दी, हमारी बूनू की भी नींद खराब कर दी। वो सोच रहा बेचारा कहाँ सो यार, बाहर गर्मी अंदर यहाँ धूमधाम चल रही है, है ना बूनू? अब सोया आके वो यहाँ, हाँ बेचारे को डरा डरा के रख रखा है। नींद आ गई, मजा आ गया मूवी देखने, मस्त। चलो सोए, सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। कल ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, क्या खाना है बता, सुबह बताऊंगी, लिस्ट बनाऊंगी रात भर दिमाग। भाई मैं सुबह बना रही छोले पूरी। छोले पूरी तुम खा लोगे? ठीक है। अभी दूसरी मूवी शुरू हो रही है क्या? नहीं नहीं, चलो भैया पक गए हम तो। गुड नाइट करण, जोर से मार, जोर से। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। सो ये जबरदस्ती सीरीज सुला रही है। बुनू भी सो रहा है, बुनू तो तब से सोने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है ये धूम धड़ाक बंद करे तो मैं सोऊं। मिलते हैं कल।
तब तक के लिए बाय 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 गुड नाइट।